जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं मीतू, हम सब के चैनल बी परफेक्ट विद मीतू शो भाई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो दोस्तों, आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आप सब हमेशा सुखी, स्वस्थ और मस्त रहें। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हम आए थे यहाँ पे गणेश, लाइक गणेश जी यहाँ पधारे हुए थे, लाइक गणेश मंडल जिसे कहते हैं। गणेश चतुर्थी का यहाँ पे छोटा सा एक फंक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे पंडाल लगा हुआ है। और ये जो पंडाल लगा है वो एक स्कूल में लगा हुआ है, क्योंकि स्कूल का ग्राउंड बहुत ज़्यादा बड़ा था तो यहाँ पे पंडाल लगा हुआ है। कोविड से पहले भी यहाँ पे ये वाला जो मंडाल, मतलब लाइक पंडाल है, हर साल लगता था, लेकिन कोविड के बाद ये इस बार ये पहली बार लग रहा है। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड दर्शन करने आए हैं। तो यहाँ की ये कुछ इस तरह से एंट्रेंस है दोस्तों, बहुत ही विशाल होता है, बहुत ही बड़ा होता है, और आनंद इतना आता है जो यहाँ पे जो लाइक जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे कितना भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और साथ में लगे होते हैं हमारे खाने के स्टॉल्स। तो यहाँ से दोस्तों ये एंट्री है, चप्पलें बाहर निकालनी होती है, यहाँ से आप एंट्री करके हम जा रहे हैं। ये पूरा पाथ बनाया हुआ है, इससे आप आगे जाएंगे हम लोग स्टेज पे गणेश जी के दर्शन करने। तो यहाँ देखिए हम लोग पहुँच गए हैं दर्शन करने। तो यहाँ पर बहुत ही विशाल गणेश जी पधारे हुए हैं, और प्रोग्राम बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने दर्शन करे, मेरे हस्बैंड दर्शन करे, आशीर्वाद लिया, और आप सब भी आशीर्वाद ले लीजिए और दर्शन कर लीजिए आप भी सब गणपति बप्पा के। तो यहाँ देखिए तिलक लगाया, आशीर्वाद लिया, और उसके बाद हम लोग उतरेंगे साइड में, उस नेक्स्ट साइड में जहाँ से स्टार्ट होता है हमारा फूड कॉर्नर। तो यहाँ है हमारे गणपति जी। तो यहाँ दोस्तों हम लोग वापस आ रहे हैं सेकंड साइड से, अपोजिट साइड से, और यहाँ पे एक साइड में होता है हमारा फूड कॉर्नर। फूड में बहुत वैरायटी थी, लाइक थाली हो, चाप हो, लाइक चाउमीन हो, भटूरे हो, बहुत कुछ था, आइसक्रीम्स वगैरह जो भी आप कहना चाहें। तो यहाँ पे स्टॉल्स था, और साथ में टेबल्स और चेयर्स थी, ताकि आप आराम से बैठ के वहाँ पर कंफर्टेबली अपने डिनर को इन्जॉय कर सकें। तो हमने, मैंने भी, मेरा हस्बैंड का मन नहीं था, मेरा मन था, मैंने यहाँ पे रुमाली रोटी और चाप ली थी, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। यहाँ पे ओम जी जो कैटरर्स हैं उनकी केटरिंग थी यहाँ पे, तो वहाँ से मैंने आगे से चाप लिया था, वो मैंने इन्जॉय करा था, बहुत ही टेस्टी था, और मेरा डिनर यहीं पर हो गया था कंप्लीट। तो यहाँ पे हमने गणेश जी के दर्शन भी करे, साथ में आप सबको भी करा दिए, और अपना डिनर भी कर लिया। हस्बैंड ने घर आके खाया था, इनका बाहर कुछ खाने का मन नहीं था। तो यहाँ देखिए ये तवे पे बन रही है हमारी गरम गरम पाव भाजी, एक तवे पे टिक्की, एक तवे पे बन रही है हमारी काठी की सब्ज़ी, जो कि है मेरी फेवरेट, और वही मैंने यहाँ पर इन्जॉय करी थी। तो यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड जी लेने गए हैं मेरे लिए काठी, और यहाँ इस तरह से टेबल्स लगी हुई थी जहाँ पे आप आराम से बैठ के अपने डिनर को एंजॉय कर सकते हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और ओपन ग्राउंड में जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो कहते ना खाने का मज़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है, और सामने हो हमारे बप्पा के दर्शन। तो ये छोटा सा व्लॉग, यहाँ देखिए मेरी आ गई काठी और रुमाली रोटी। तो दोस्तों यहाँ पे डिनर के बाद हम लोग निकल दिए बाहर की तरफ, और क्योंकि स्कूल में था ये पंडाल, तो यहाँ पे साइड में झूले लगे हुए थे, बच्चे झूलों पे एंजॉय कर रहे थे, मौसम बहुत अच्छा था, और सामने गणपति बप्पा थे तो और भी अच्छा लग रहा था।
तो दोस्तों वंस अगेन सबको गणेश चतुर्थी बहुत बहुत मुबारक हो। भगवान सब पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें और सबके घर में हमेशा खुशहाली, सबका जीवन हमेशा खुशमय बीते और खुशहाली सबके घर में हमेशा रहे। तो यही था दोस्तों छोटा सा व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो छोटे से बेल आइकन होता है उसे भी हिट कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल सके। सो दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। Thank you.